अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग विद सभी, आपकी खिदमत में हाजिर है आपकी दोस्त होस्ट। कैसे हैं आप लोग? और देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और खास तौर पे अपने वालदेन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा है। दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज करती हूँ। बहुत टाइम हो गया है मॉर्निंग शो करते हुए और ऑफकोर्स ये लाइव शो होता है और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं और अभी बारिशें हो रही हैं तो ऑफकोर्स जो गेस्ट अगर हम इनवाइट करते हैं कहीं ना कहीं पानी की वजह से, जो ऑफकोर्स रात को बारिश हुई है तो कुछ लोग वहां पर फंस जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, एक कहते हैं अजब सा आलम है। अब चाहे कितनी भी कोशिश करें कि जल्दी निकल जाए लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और ये प्रॉब्लम जिंदगी का हिस्सा है। तो लेट्स सी, ये तो जिंदगी के अप डाउन चलते रहते हैं लेकिन हमें कुछ चीजों को बहुत जो है वो हैंडल करना पड़ता है। और मैं कहना ये चाहती हूँ कि बहुत सारे अभी ऑफिस हैं और बहुत सारे लोग हैं इस बारिशों में बहुत तकलीफ में आ गए। जिस तरह खासतौर पे जो रेगुलर कमाने वाले लोग हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम्स है, एक दहेड़ी वाले लोग जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें पता है कि आज मैंने लालू खेत में अपना ठेला लगाना है, जिसे मालूम है कि आज मैंने जो है वो फेरी लगानी है। बारिश जब तेज होती है फेरी वाले लोग परेशान होते हैं, अक्सर गलियों में वो आइसक्रीम वाले आते हैं, वो बच्चे लगे बंदे उनसे कुछ चीजें लेती हैं, बाकरखानी वाले हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलर घूमते हैं। हमारी स्ट्रीट में एक बंदा आता है, मैं हमेशा जनरल बात करती हूँ और फील करती हूँ और ये एहसास बहुत जरूरी है। मैं कहती हूँ जिस शख्स में एहसास नहीं है वो मेरी नजर में एक एक पार्ट्स वाला पर्सन है। पार्ट्स मतलब हिस्से हैं उसके, एक हाथ है, बाजू है, बट उसके अंदर एहसास नहीं है, एक गोश्त पोस्ट का इंसान है बस। और वो बंदा जो है वो बच्चों की बहुत सारे जो है चिप्स और कुछ अंडे, कुछ बेकरी का थोड़ा डब रोटी बन और बड़ा प्यारा एक पोपू जो बजाता है, पॉप पता चल जाता है सारे बच्चों को कि हमारे पास वो आ गए, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, बहुत सारी चीजें वो रखता है। मैं उसे बड़ा गौर से ऑब्जर्व करती हूँ कि उसे पता है कि मैं आज यहाँ से, वो जब खड़ा होता है ना यकीन करें वो जितना रनिंग में माशाल्लाह एक एक घर से कुछ चीजें लेता है, कोई 200 की, कोई बच्चे लेते हैं 30-40 रुपए की, इस तरह मैं देख रही हूँ। अगर वो एक जगह खड़ा होता है तो वो कम अज कम 200-300 का एक जगह बिजनेस कर लेता है, फिर वो दूसरी गली में जाता है फिर 200-300 का। तो अगर वो दिन में अगर वो बिजनेस करता है जो भी है 4-5 हजार या 6 हजार का या 10 हजार का, उतना फिर उसको सामान भी लेना होता है। लेकिन सोचो जो बंदा एक दिन में 5 हजार का बिजनेस करता है तो उसको लॉस है ना। तेज बारिश हो गई, कैसे जाऊं, इतना इतना पानी, मेरे पास साइकिल और वो साइकिल पे है, ठीक है, अब ये देखें कि वो कैसे मैनेज करता होगा। और उसके बाद वो अगर उस दिन उसकी डैडी नहीं होती है तो ऑफ कोर्स फिर वो अगले दिन भी नहीं होती है। इस तरह कोरोना में भी बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हुए। तो कहने का मकसद, अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हों तो उनका कभी कभी आप एक्स्ट्रा ख्याल कर लिया करें, अगर यू आर अफोर्डेबल, छुप के अल्लाह की खुशनुदी के लिए तो किसी को ना बताएं, उसको चुपचाप कुछ पैसे दे दें जिससे वो उसका थोड़ा बैकअप हो जाए। लेकिन आपको मैं सच कह रही हूँ, आपके रोजी रोजगार में बहुत बरकत होगी। इन चीजों का हम लोग अगर ख्याल रखें तो दिल भी बड़ा खुश होता है, क्योंकि मैंने एक चीज देखी कि शेयर करके खाने में, शेयर करके देने में ही जो है वो कमाल है, वो ही बरकत है, चाहे वो कुछ भी हो। लेट्स सी, ये मैसेज, और साथ में ये भी कहूंगी कि रात को न्यूज वगैरह देख रही थी तो पीटीआई लाहौर से सुपर तरीके से विन कर चुकी है और अब देखिए आगे क्या लाए अमल है। हम हमेशा ये कहते हैं कि अल्लाह पाक जिसको भी अगर हुकूमत दे या जो हुकूमत में आ रहे हैं वो अवाम के लिए रिलीफ लाएं, अवाम के ऊपर बर्डन ना हो, खास तौर पे जो है हमारे वो लोग जो सफेद पोश है। मैं क्लासिफिकेशन नहीं करना चाहती, हम जैसे ही हैं वो लोग, इनमें हम भी शुमार होते हैं, तो वो सारे सफेद पोश जो है आप भी असर होंगे, सभी को देखो जरा। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैं इस तरफ आ रही हूँ। अच्छा जी, खास तौर पे सफेद, क्योंकि हुकूमत से बात कर रही हूँ ना तो जरा करीब आ जाऊं, तो बरए मेहरबानी खुदा के लिए हाथ जोड़ के अपने प्यारे प्यारी अवाम के लिए मैं ये कहूंगी
कि उनके लिए मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव बन के बात करना चाह रही हूँ। जब अभी कोई भी हुकूमत चाहे कहीं पर भी किसी शहर पर भी हो, खुदारा 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 रिलीफ पैकेज निकालें, आम आवाम के लिए सोचें। खुदा के लिए पेट्रोल का दाम मत बढ़ाइएगा। अगर कोई आपको बड़े मान से सम्मान से आपको कुछ हुकूमत दे रहा है या आपको कुछ मुंतखब कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी अब उनका भी आप लोगों ने खाइए ना, आप भूल जाए। अच्छा ये बड़ी कॉमन सी बात मैंने देखी है, जब आप लोगों को वोट की जरूरत होती है आप ऐसे गलियों में घूम रहे होते हैं, इंक्लूडिंग टू हमारे जो है प्रेजिडेंट आरिफ अलवी साहब को भी मैंने देखा है, वो जब गिजरी से वो खड़े हुए थे तो वो गलियों में घूम रहे थे सब। अब आप तो मिलना मुलाकात ही भूल जाओ, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है वो जरा जरा, हमें याद है वो जरा जरा। बिल्कुल सेम टू इमरान खान को भी मैंने अभी देखा, जब उनकी मिनिस्ट्री खत्म हो गई तो वो भी माशाल्लाह केपी के मैं इधर उधर गलियों में घूम रहे। तो सर जी जब आपको सीटें मिल जाती हैं तब भी आप आवाम में जाया करें ना, सिर्फ मतलब स्टेज पे खड़े होके, चाहे कोई भी प्रेसिडेंट हो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, लाइक वो स्टेज पे खड़े हो जाते हैं और वो खूब शोर करते हैं, उसके बाद वो नजर नहीं आते, फिर उनके पीए नहीं कांटेक्ट में आते ना, एमपीए पीए पीआरओ नो दूर दूर तक गायब। तो खुदा के लिए ऐसा ना किया करें, बिल्कुल ऐसा ही किया करें जैसे आप लोग वोट के लिए उस बंदे के पास जाते हैं जिसके लिए आपको पता है इसका एक वोट कितना है। मैं आपको ये नहीं कंसर्न ये कितना जो है वो लोअर है क्या है सफेद पोश है इसका एक ढाबा, आपको उस ढाबे वाले का वोट भी आपको बड़ा कीमती लगता है, ऐसा है कि नहीं? तो वो ढाबे वाले को क्यों भूल जाते हैं, वो रेडी वाले को क्यों भूल जाते हैं, वो बर्गर वाले को क्यों भूल जाते हैं, वो जब सब आपको किसी वजह से मुंतखब करते हैं क्योंकि उनको पता है उनके घर की एक सिस्टम है जो मिसमैनेज हो जाता है। आप लोगों की जरा सी रेटिंग टू फ्यूल अपग्रेड, जैसे आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं हर चीज का रेट ऐसे दबंग करके बड़ा होता है। फिर मैं कमिश्नर कराची से भी रिक्वेस्ट, मैं आम आवाम की बात कर रही हूँ, मैं अपनी कोई ये नहीं कि मेरा पॉइंट या मेरे वीनस टीवी का पॉइंट ऑफ व्यू है, नो वे। जब आप लोग रेट बढ़ाते हैं उसके बाद कम भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कम जब करते हैं तो उसकी पूछगछ नहीं होती है, क्योंकि आम दुकान वाले दूध का रेट बढ़ाते हैं उसके बाद वो कम कभी आता है, लेकिन कम के बाद दोबारा जब उस पे आता है तो वो लोग बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। तो कम भी तो किया करें तो उस पे तवज्जो दिया करें, क्या है कि वो बंदा कम कर रहा है कि नहीं। वही एज यूजल 140 तो 140 आप चाहे कह दें कि नहीं नहीं 120 हो गया, वो इस पे तवज्जो नहीं देते। तो आपकी कोई टीम होनी चाहिए, कोई पावरफुल टीम बनाए, वो छापे छापे मारे, छापे छापे वो वाले नहीं दूसरे स्ट्रांग वाले छापे पकड़ो, पता चले कि यस ये लोग हैं। तो लेट्स सी, बहुत सारे मसाइल हैं और आप लोगों को अल्लाह पाक ने अगर कोई एक मौका दिया है तो उस अपॉर्चुनिटी से आवाम को फायदा दें, बहुत सारी दुआएं लें। आप लोगों को पैसे की कोई कमी नहीं है तो कुछ अच्छा करके दिखा दें, कितनी अच्छी बात होगी। लेट्स सी, यहाँ पर हम लोग लेंगे ब्रेक क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने जबरदस्त किस्म का वाइट कढ़ाई खाई, लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।